The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal. कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस महानुभाव की, ये जो है ये आपके शरीर में पैदा होने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, पर ये आपके शरीर में पैदा होने गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने सुना तो होगा। कई बार हमें सवाल आता है कि सर बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें, गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ाएं, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, एचडीएल कैसे बढ़ाएं, एचडीएल क्या है और कैसे बढ़ता है, क्या करता है। तो हाउ टू बूस्ट योर गुड कोलेस्ट्रॉल, इस पे वीडियो बनाया जाएगा। एक अलग से वीडियो है जो एलडीएल पे है, डेडिकेटेड बैड कोलेस्ट्रॉल, वो भी आप देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए या तो आप वेबसाइट पर जाकर सर्च में टाइप कर सकते हैं, या फिर वो टॉपिक बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं, आपको टॉपिक मिलेगा। सारे टॉपिक किसी एक डॉक्टर की उसकी सोच पे नहीं है, ये सारे यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से वेरीफाइड ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन है, राइट? ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर को जो लगता है वही सही है, ऐसा नहीं होता। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं, क्या होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये वो है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, मतलब जितना हाई उतना अच्छा, अगर उसकी भी एक लिमिट है। ओके, सो हायर यार बेटर, जितना हाई उतना अच्छा है। तो अगर हाई होता कम होता है, इट इज अ कंसर्निंग थिंग, कम है तो प्रॉब्लम है। तो एचडीएल क्या करता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो आपके ब्लड स्ट्रीम है, इट हेल्प्स रिमूव अदर फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर ब्लड। जो दूसरे बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल वीएलडीएल, उसको ये ब्लड से हटाने की कोशिश करता है। ये वहां जितना ज्यादा होगा उतना वहां पे कम हो जाएगा। सो हायर लेवल ऑफ एचडीएल इज एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, तो हार्ट की बीमारी के होने के रिस्क आपके कम हो जाएंगे। तो एचडीएल आपको ज्यादा चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सा सब्सटेंस है, वैक्स जैसा है, जो आपके सेल और उसके कई सारे फंक्शंस, जैसे सेल के मेम्ब्रेन बनाने के लिए चाहिए, आपके बॉडी के अंदर स्टेरॉइड बनाने के लिए चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, लिमिटेड कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, सही नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, राइट? तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल से भागना नहीं है। कई लोग रहते हैं भाई हर चीज कोलेस्ट्रॉल की खत्म होनी चाहिए, नहीं ऐसा, एक बूंद तेल नहीं खाना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल आपके शरीर में हेल्दी फैट्स की जरूरत है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। दिस इंक्लूड्स ईटिंग घी, घी भी अच्छा है लिमिट में, और एग येलो भी अच्छा है लिमिट में। इसके ऊपर अलग से डिटेल वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आज लेकिन बात हो रही है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल में एक एलडीएल होता है जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी के अंदर आता है तो ये कोलेस्ट्रॉल, बेसिक कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच होके आपके खून में घूमता है, जिसे हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। यही है एचडीएल एलडीएल वीएलडीएल, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी एंड वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, और ये आपका वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, बेसिकली ये। तो इसको समझते हैं, एलडीएल क्यों बैड है? बिकॉज एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इवेंचुअली यही वो कोलेस्ट्रॉल है जो आपके आर्टरीज में, खून की नसों में बिल्डअप हो सकता है, जमा हो सकता है, और पैसेजेस को नैरो कर सकता है और अल्टीमेटली ब्लॉकेज कर सकता है, जैसे हार्ट अटैक होते हैं। और इसके ऊपर कोई क्लॉट घूमते फिरते आया तो वो क्लॉट यहाँ पे अटक जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। तो दिस नैरोड स्पेस कैन कॉज अ हार्ट अटैक। कई बार यहीं पे क्लॉट बन जाता है, एक पिंपल बन जाता है, पिंपल फट जाता है और पट से क्लॉट बनता है, सीधा हार्ट अटैक बनता है या स्ट्रोक बनता है, स्ट्रोक हो जाता है। तो एलडीएल इज बैड फॉर यू, जितना एलडीएल जितना कम उतना अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एचडीएल क्यों अच्छा है? बिकॉज ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो होता है जो आपके ब्लड में, उसको उठा के ये वापस आपके लिवर पे ले जाता है, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और बॉडी से निकाल देने में हेल्प करता है। एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एचडीएल आपको ज्यादा चाहिए। अगर आपका एलडीएल हाई है और एचडीएल लो है, दिस इज द बैड कंडीशन, ये डेंजर वाली कंडीशन, ये डेंजर वाली सिचुएशन है आपकी, ये वाली में आपको नहीं रहना है। इसमें आपके फिर डॉक्टर का फोकस होना चाहिए कि पहले वो आपका एलडीएल कम करे, राइट, फिर साथ में एचडीएल बढ़ाए, ठीक है, ये पहला फोकस है। इसलिए एलडीएल को कम करने के लिए, अगर एलडीएल खासकर अगर आपका जो नॉर्मल हमें चाहिए होता है, एक नॉर्मल आदमी में 100 के आसपास चाहिए, राइट,
अगर आपका LDL का लेवल 150 है या 180 है या 200 है, तो ये 150 और 180 तो बहुत हाई हो गया। इवन इफ इट इज 150 और आपके कुछ और रिस्क फैक्टर्स है तो आपको दवाई लेनी चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं, यंग हैं, सिर्फ आलसी हैं, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं डाइट से भी, तो कुछ एक दो महीने आप ले सकते हैं। अगर अल्टीमेटली डॉक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है कि LDL को 2-4 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर कम कर लें, क्योंकि जितने सालों तक, जितने महीनों तक LDL हाई रहेगा, उतने चांसेस बढ़ जाएंगे खून की नसों में ब्लॉकेज आने के। तो इसलिए फिर उसके लिए दवाइयाँ आती हैं, जैसे स्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, स्टैटिन, ऐसे सारे बहुत सारे स्टैटिन हैं। स्टैटिन के खुद के साइड इफेक्ट्स भी हैं, उनके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है, लेकिन रिस्क और बेनिफिट को देखते हुए फिर शुरू करना पड़ता है। इंडिविजुअल बेसिस पे डॉक्टर्स अपने डिसाइड करते हैं आपके लिए। ये सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है, और जैसे मैंने बताया, सैलेड इज ऑल्सो अ प्रूवन ट्रीटमेंट। सैलेड आप अच्छे 250 ग्राम सैलेड लेते हैं पर डे, इट वर्क्स वेरी नाइसली। नॉर्मल लेवल्स क्या है सर जी HDL कोलेस्ट्रॉल के? HDL कोलेस्ट्रॉल जब आता है तो जितना हाई उतना अच्छा। मेन के अंदर अगर आपका HDL 40 से कम है या 1 मिलीमोल पर लीटर से कम है तो वो रिस्क पे है, अच्छा रहेगा। अगर वो 60 या उसके ऊपर रहे तो 60 और उसके ऊपर इंडियन सिनेरियो में बहुत ही कम लोगों में देखा है, एथलीट लाइक जो लोग एक्चुअल में बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनमें देखा, वरना बहुत लोगों में नहीं देखा है, राइट। और वुमेन जो है, वुमेन के अंदर अगर उनका HDL 50 से कम है तो वो हाई रिस्क, तो याद रखें। और वुमेन में भी ये 60 के आसपास चाहिए, 50 के ऊपर तो चाहिए ही चाहिए, राइट। 250 के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट है, शुड बी मोर देन अराउंड 50, ठीक है। तो अगर आपके HDL बहुत हाई है तो क्या हो, राइट? अगर आपके HDL हाई है तो सम एक्सटेंस पीपल हु हैव नेचुरली हायर लेवल्स ऑफ HDL आर एट लोअर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, बट इट इज लेस क्लियर whether the same benefits holds true for people who increase their HDL with medicine. दवाइयों से भी HDL बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो दवाइयों से बढ़ाया हुआ HDL क्या आपको हार्ट का बेनिफिट देगा कि नहीं, ये पक्का नहीं है। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन डॉक्टर का होता है LDL को कम करने। दवाइयाँ HDL को बढ़ाने के लिए भी आती हैं, लेकिन उसके कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता HDL बढ़ाने के लिए, लाइफ स्टाइल चेंजेस ही बेस्ट है। मगर दवाई क्या आती है, लाइफ स्टाइल चेंजेस क्या है, बात करते हैं। तो हाउ टू इंक्रीज HDL, HDL बढ़ाने के लिए लाइफ स्टाइल चेंजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस? जितना आप मूव करोगे, जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना घूमोगे, जितना वॉक करोगे, जितनी दौड़ भाग करोगे, आपका HDL बढ़ेगा। जो गरीब लोग होते हैं ना, जो काम करते हैं पूरा दिन, बुजुर्ग होते हुए भी काम करते हैं, उनको ना आता हार्ट अटैक, उनको बहुत कम आता हार्ट अटैक। उनके उनका पूरा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो HDL लेवल उनके बढ़िया हाई रहता है। अब उनकी एक फैक्टर है, ये दुनिया भर के फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं हर जगह। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़ना बहुत जरूरी है, वरना HDL नहीं बढ़ेगा। और अपना डाइट खराब है, पेट निकला हुआ है, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना HDL नहीं। HDL इन 3-4 चीज आपने कर ली, एक्सरसाइज कर ली, स्मोकिंग छोड़ दी, डाइट अच्छी कर ली, वेट अच्छा कर लिया, तो आपके हार्ट के रिस्क कम हो जाएंगे, HDL बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बावजूद HDL नहीं बढ़ रहा है, तब मेडिकेशंस यूज की जा सकती हैं जो स्पेसिफिकली HDL को बढ़ाती हैं, अगर हम हार्ट के अटैक के रिस्क को रिड्यूस और करना चाहते। तो वेरी हाई हो अगर LDL तो क्या होगा, बात वही बताएंगे कौन सी मेडिसिन है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑड पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं, अगर आपका HDL जो हमें 60 चाहिए, 100 के ऊपर चला गया, वेरी हाई हो गया, तो ऐसे भी लोग जिनमें बहुत ही ज्यादा हाई है, दे आर ऑल्सो एट अ हायर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, उनको भी रिस्क हार्ट अटैक का बढ़ जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा भी अनहेल्दी लेवल के ऊपर, मतलब ये 100 के ऊपर किसी दवा से किसी तरीके से नहीं जाएगा, अनलेस एंड अंटिल आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम से ही जाएगा, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपकी लाइफस्टाइल की बात करें तो HDL आर टिपिकली लोअर इन पीपल हु हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब जो लोग मोटे हैं, जिनका BP ज़्यादा है, जिनको शुगर है, उन लोगों में HDL हमेशा कम आता है, तो उनको इन चीज़ों को कंट्रोल करने की जरूरत, ठीक है, तब ही HDL बढ़ेगा। और एक्सरसाइज को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करो, इससे आपका ट्राइग्लिसराइड भी कम होगा, इससे आपका बॉडी फैट भी कम होगा, इससे आपका HDL भी बढ़ेगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कितनी एक्सरसाइज मिनिमम चाहिए? बेनिफिट आपको मिनिमम दिख जाएगा अगर आप 60 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट भी कर लेते हैं एक हफ्ते में। हफ्ते में 60 मिनट, एक घंटा, क्या हफ्ते में बताओ, हफ्ते में तो निकाल ही सकते हो, क्या बड़ी बात है। उतने से भी बेनिफिट शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ा लेना, बट कॉन्स्टेंटली करो, रेगुलरली करो। 4 दिन कर लेने से जिंदगी भर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डाइट कौन सी लेनी है? ट्रांस फैट्स नहीं लेने हैं। ट्रांस फैट्स जो होते हैं पैकेज फूड्स में, प्रोसेस्ड फूड में, उन्हें चांसेस होते हैं। और
एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं ट्रांस फैट्स और एचडीएल को कम करते हैं। फूड्स प्रिपेयर्ड विद राइट विद शॉर्टनिंग जैसे कि केक्स हैं कुकीज हैं इनके अंदर बहुत कॉमनली ट्रांस फैट होते हैं, ज्यादातर फ्राइड फूड्स में होता है, ज्यादातर फैटी फूड्स में होता है, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं खाने, और मीट का जो भी जो उसका लीन पार्ट है आप वो प्रिफर करें अगर आप मीट लेते हैं। लीन प्रोटीन पे भी हमारा एक वीडियो है डिटेल, उसको भी जाके देख सकते हैं लीन प्रोटीन, ठीक है। तो डाइट ये रखनी हो, ये अवॉइड करना होगा। लाइफस्टाइल में स्मोकिंग करते हैं तो वो एचडीएल बढ़ाएगा, स्पेशली विमेन है तो और ज्यादा स्मोकिंग बढ़ाएगा, और अल्कोहल के यूज से भी एचडीएल लेवल जो है वो कम होता, सॉरी सेफ लिमिट में अगर अल्कोहल लेते हैं तो एचडीएल लेवल बढ़ते हुए दिखते हैं। मतलब ये नहीं है नहीं लेते हो तो शुरू कर दो, अगर लेते हो तो कम कर दो। सेफ लिमिट क्या है, फीमेल्स के लिए 1 drink per day और मेल्स के लिए 2 drinks per day, 2 drink से ज्यादा नहीं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल, वो भी देख सकते हैं। हाउएवर याद रखिएगा अगर नहीं पीते हो तो जबरदस्ती शुरू मत कर लो, क्योंकि अल्कोहल की आदत लगते देर नहीं लगती और उससे वेट गेन भी होगा और ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड लेवल और उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है, तो वो पीने की जरूरत नहीं है। फिर मेडिसिन आखिरी में जो आप चाहते हैं मेडिसिन दे दो सर और कुछ क्या करेंगे, दवाई दे दो, पर ऐसा है हाई एलडीएल एचडीएल लेवल्स कैन बी इम्प्रूव बाय एक तो एचडीएल लेवल्स आर समटाइम्स इम्प्रूव बाय ड्रग्स जो एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड लोअर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ये नियासिन जो है जैसे विटामिन B3, ये देखा गया है ये एचडीएल बढ़ाता है। फाइब्रेट्स होते हैं जैसे जेमिप्राइब्रोसिल और स्टैटिन्स हैं, कुछ प्रकार के स्टैटिन सिम्वास्टैटिन और रोसुवास्टैटिन, ये 2-3 प्रकार के स्टैटिन हैं जो एचडीएल को बढ़ाते हुए देखे गए। तो ये थोड़ा महंगा इसीलिए आता है, बट ये पॉइंट है कि कब तक ले रहे हैं एचडीएल बढ़ा रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसी है उसके हिसाब से डिसाइड करना जरूरी। तो हाउ टू बूस्ट एचडीएल, ये तरीके हैं मेडिसिन वाले। बट ऐसा है जैसे मैंने कहा इन दवाइयों से बढ़ाया हुआ एचडीएल क्या हार्ट की बीमारी को रोकता है, ऐसा देखा हुआ नहीं है। तो नेचुरली बढ़ाया हुआ ज्यादा अच्छा, ठीक है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस ही ज्यादा बेहतर है। प्लस कुछ ऐसी दवाइयां जो टेस्टोस्टेरोन एनाबोलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं वो भी दे कैन लोअर योर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो इनको भी अगर आप अवॉइड करते हैं को रोक देते हो स्टेरॉइड्स को साइकिल लेना बंद कर देते हैं तो आपके एचडीएल लेवल बढ़ते हुए दिखाई देते, वो भी कर सकते हैं, राइट। रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एचडीएल पे इतनी डिटेल वीडियो आज तक नहीं बनी होगी, अगर आप अच्छे से समझते हैं इसको तो प्लीज इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में, खासकर जो लोग मोटे हैं एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बोलो लिपिड प्रोफाइल कराओ, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराओ, और चाहें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपको यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है और वेबसाइट पे भी यहाँ पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसे प्रेजेंटेशन वाले वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई सवाल है आपका नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आप और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड।